गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम 14th चैप्टर के लास्ट पॉइंट सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मीडियन। अब मीडियन में अनग्रुप डेटा मैंने आपको उस दिन करवा दिया था, लास्ट वीडियो में अनग्रुप डेटा आपने देखा था। आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे कि पहले वीडियो से मैं कह रहा हूं, हमेशा आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, उसमें मीडियन ढूंढना है। तब मीडियन ढूंढने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूला का यूज होगा, कैसे, हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले सपोज आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड मीडियन, और क्लास दिया हुआ है। ये क्लास और फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि कंटिन्यूअस सीरीज आपके बोर्ड में इसी तरह के सम आते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 40 to 50 तक आपको क्वेश्चन दिया है। अब फ्रीक्वेंसी दी गई है, करना क्या है, मीडियन ढूंढना है। मीडियन ढूंढने के लिए इतना तो आपको क्वेश्चन ही दिया गया है, ये जो है आपके बुक का क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसका नाम है सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद होगा, आपने 9th में भी सीखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिन्होंने 9th में नहीं सीखा था उनके लिए बता दूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ये 8 का 8 मैंने रख दिया, अब 8 में 12 ऐड कर दिया तो हो गया 20, 20 में 15 ऐड कर दिया हो गया 35, 35 में 5 ऐड किया हुआ 40, 40 में 20 ऐड किया हो गया 60। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मीडियन के लिए हम आएंगे, तो मीडियन की फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मीडियन, तो पहले मैंने यहां पर मीडियन ग्रुप लिखा, मीडियन ग्रुप इक्वल टू एन बाय टू, याद रखना एन प्लस वन नहीं, जो अनग्रुप डेटा था उसमें हम एन प्लस वन या एन यूज करते थे, बट कंटिन्यूअस सीरीज में सिंपल फॉर्मूला यूज होगी एन बाय टू। अब एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 60, तो 60 बाय 2, अब 60 बाय 2 तो उसका आंसर आ रहा है 30th ऑब्जर्वेशन। अब 30th ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो 30 आपको कहां देखना है, सीएफ के कॉलम में। देखो सीएफ के कॉलम में आपको देखना है 30 जो आ रहा है, 8 में नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, 35 में। अब 35 मतलब हमें क्या देखना है, देखो इसमें 8 तक फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप में है, फिर 12 फ्रीक्वेंसी मतलब 20 तक सेकंड ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में 35 मतलब हमें चाहिए 30 जो 35 में आ रहा है। तो ये जो ग्रुप मिल रहा है इसे हम कहते हैं मीडियन ग्रुप, मतलब मेरा जो मीडियन ग्रुप है वो 20 to 30 है, मेरा जो मीडियन ग्रुप है वो 20 to 30 है। तभी मैंने लिखा नीचे मीडियन क्लास इक्वल टू 20 to 30। अब मीडियन क्लास 20 to 30, बट एग्जैक्टली मीडियन क्या, अब एग्जैक्ट मीडियन जानना हो तो एक फॉर्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा, जो मैंने सिर्फ यहां पर फॉर्मूला लिखी है। मीडियन ग्रुप जानने के लिए आपने यह फॉर्मूला लगाई, अब एग्जैक्टली मीडियन की वैल्यू के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला की मीनिंग मैं बता दूं, जहां पर एम मतलब मीडियन, एल एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। जैसे अभी हमारा ग्रुप डिसाइड हुआ 20 to 30, तो इसकी लोअर लिमिट आप देखोगे तो लोअर लिमिट आ गई 20। अब हम आएंगे फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे, एल के बाद दिया हुआ एन बाय टू माइनस सीएफ, तो सीएफ किसे कहते हैं, मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, मतलब आपका जो ये मीडियन ग्रुप है 20 to 30 उसका प्रीसीडिंग, उससे पहले वाला ग्रुप जो 10 to 20 है। अब 10 to 20 उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, मतलब जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो 20 आ रही है। इसके बाद लिखा हुआ है एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप, जो मीडियन है हमारा मीडियन क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 15 लिखी हुई है, और एच, एच का मतलब होता है इंटरवल। तो अब इन चीजों को हम अपनी फॉर्मूला में यूज करेंगे। फॉर्मूला में अगर हम देखें, मैंने लिखा है एल तो लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप जो इसमें 20 आ रहा है, प्लस एन बाय टू, एन आपका जो आ रहा है 15, जैसे कि 60 बाय 2 तो 30 आ गया। सीएफ, सीएफ मैंने बताया था जो मीडियन ग्रुप है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो 20, मैंने यहां 20 लिख ली। एफ जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने 15 दिखा दी, इनटू एच, एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल जो 20 और 30, जो क्लास इंटरवल कितना आया 10। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 20 सेम रखा, 30 में से 20 माइनस किया 10,
10 को 10 से मल्टीप्लाई हो गया 100, 100 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे इट बिकम 6.66। सो 20 प्लस 6.66 जिसे हम 6.7 कर सकते हैं, तो 20.67। सो योर मीडियन इक्वल टू 20.67। एक बात और बता दूं, आपका मीडियन क्लास कौन सा आया था, 20 to 30। तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा इसी ग्रुप के अंदर ही आएगा। एक और सम से इसको समझ लेते, एक और सम हम कर रहे हैं, एक और सम के साथ सीख लेते हैं। सपोज एक और सम दिया गया है, फाइंड मीडियन, क्लास 0 to 25, 25 to 50, इस तरह से क्लास दिया है और ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले अगर कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन ढूंढना हो तो यू हैव टू प्रिपेयर क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, 5, 5 में 8 ऐड किया 13, 12 ऐड हुआ 20, 20 में 20 ऐड हो गया 45 और 15 60 हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप कैसे मिलेगा, एन बाय टू, एन कितना है 60, 60 बाय टू 30। तो इसे मीडियन ग्रुप कहा जाता है, मीडियन नहीं, अभी एग्जैक्ट मीडियन नहीं मिला। मीडियन ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है सीएफ में, सीएफ में देखना है 30 कहाँ आ रहा है। तो आप देखो 30 आपका आ रहा है 45 के ग्रुप में, 45 का ग्रुप को इस तरह से अंडरलाइन कर लो, दिस इज योर मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप है हमारा 75 से 100। फिर हमें यूज करनी है फॉर्मूला। अब मैं कहूंगा मीडियन ढूंढना है, एल एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप जो आ रही है 75। उसके बाद मैंने देखा एन बाय टू जो ऑलरेडी हमने ढूंढा था 60 बाय टू 30 रख दिया मैंने। सीएफ किसे कहा था, जो मीडियन ग्रुप है उससे ऊपर वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 25 आ रही है। और एफ एफ किसे कहा था, जो मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो 20 लिखा मैंने। और एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल, 75 और 100 के बीच का इंटरवल देखो तो 25 है। जैसे कि यहाँ एल 75 रखा, 30 में से 25 माइनस किया 5, 5 को जब मैंने 25 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड किया यू गॉट 6.25। सो 6.25 प्लस 75 इक्वल टू 81.25। सो योर मीडियन इज 81.25। एक बात नोट करना, आपका मीडियन हमेशा ग्रुप के अंदर ही आएगा। तो आपका जो मीडियन आ रहा है वो कितना आया, मीडियन आया 81.25। तो इस तरह से हमने मीडियन कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में जो तीनों पॉइंट थी, मीन, मीडियन, मोड, अब वो कंप्लीट हो गए। राइट, ओके, बाय।